हेलो व्यूअर्स, हेलो दोस्तों, आई एम सुरेश सिंह गहलोत, गुरुकुल एकेडमी फ्रॉम झाबुआ। डियर स्टूडेंट्स, पिछले मैंने दो वीडियो सामाजिक विज्ञान की अपलोड करी थी, गेस्ट पेपर फर्स्ट और गेस्ट पेपर सेकंड। दोनों ही वीडियो को आप जरूर अवश्य देखना। दोनों ही में आज आने वाले संभावित क्वेश्चन सभी मैंने सिलेक्ट किए हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये भी गेस्ट पेपर में से ही लिया गया क्वेश्चन है और ये पिछले लगभग 8 से 10 साल के पेपर में से मैंने सिलेक्ट किए हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से हल करना और मेरी पिछले वीडियो दोनों वीडियो को अवश्य आप देखना। राज्यसभा के सदस्य संख्या होती है 250। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको चार ऑप्शन दिए हुए आएंगे, उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा और तीन गलत होगा, उसमें से आपको चॉइस करना है। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है 250। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। प्रश्न नंबर तीसरा है, सेवा क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का है 2.4%। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम योजना के प्रारंभ में कितने व्यक्ति बेरोजगार थे? 33 लाख। नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था झाबुआ जिले में। कृषि क्षेत्र सम्मिलित है प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र। ये सभी क्वेश्चन आपको चार ऑप्शन में पूछे जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा और वही ऑप्शन मैंने लाल रंग में लिखा हुआ है। भारत में सूत्री वस्त्र उद्योग की राजधानी है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में संचार सेवा आरंभ हुई थी 1837 में। 12वां क्वेश्चन है, झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस शहर में शुरू हुआ था? जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 13वां है, कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। लैटिन भाषा में मुद्रा को कहते हैं मोनेटो। क्वेश्चन नंबर 15वां है, बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या है 230। प्रोफेसर अमृत सेन ने विकास का आधार माना है जन कल्याण। 19वां है, मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? हीरा। 20वां क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं? 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां, भारत और चीन युद्ध हुआ था 20 सितंबर 1962 को। 22वां क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा है सड़क दुर्घटना। 23वां, भारत में रेल सेवा आरंभ हुई 1853 ईस्वी में। 24वां क्वेश्चन है, कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहयोगी नहीं है? पानी का इकट्ठा होना। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंचाई से संबंधित योजना है निर्मल नीर योजना। क्वेश्चन नंबर 26, वित्त विधेयक का निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह है न्यावा सेवा। क्वेश्चन नंबर 28, वायु प्रदूषण सबसे कम होता है रासायनिक उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 29, 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। 30वां है, भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है कच्छ। 31वां है, नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान चलाया था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 32वां, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है कृषि क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। यह आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। 33वां क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी योजना को वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है विश्व बैंक से। क्वेश्चन नंबर 34वां है, वन संसाधन की प्रमुख समस्या है वनों में लगने वाली आग। क्वेश्चन नंबर 35वां, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को।
राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उप राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, जैविक आपदा है बर्ड फ्लू। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। इस प्रकार आपको मैंने 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपको बताने जा रहा हूँ मैं, ये सभी खाली स्थान है जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकते हैं, और ये सभी खाली स्थान लगभग पिछले 7 से 8 सालों के पेपर में से मैंने सिलेक्ट किए हैं। खालिस्तान में है, हरित क्रांति का संबंध है कृषि से। भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है असम। नाना साहब का निवास बिठूर में था। 1942 में मिशन भारत आया क्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जो लाल रंग में लिखा हुआ सब इसके ये आंसर हैं। श्वेत क्रांति द्वारा भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला, दुग्ध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्रों में विभाजन किया गया। अर्थव्यवस्था का विभाजन 3 क्षेत्रों में गया, 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सामाजिक अधोसंरचना के अंग है। ये सभी सिलेक्टेड खालिस्तान आपको बताने जा रहा हूँ। यदि क्वेश्चन नंबर 9 है, पश्चिम बंगाल सबसे अधिक कागज उत्पादन करने वाला राज्य है। इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम इंटरनेट है। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे यह होगा कि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो है वह वीडियो आपके पास तुरंत और सबसे पहले पहुँचेगी। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ चार्ज होता है। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, अपने मित्रों के अंदर भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। ये सभी खालिस्तान आपको बताने जा रहा हूँ, लगभग 50 सिलेक्ट किए हैं खालिस्तान मैंने। विभिन्न देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को बहुउद्देशीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की स्वाधीनता के समय माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य संख्या 230 है। वर्तमान में आरक्षित उद्योगों की संख्या 5 है। 16 क्वेश्चन है, केंद्रीय वन आंदोलन की स्थापना सन 1935 में की थी। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। अमृतसर अंबाला जालंधर दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई 456 किलोमीटर है। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की थी। 19वां क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उपभोक्ता संरक्षण नियम 1986 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य मध्य प्रदेश है। टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर झारखंड राज्य में स्थित है। ये सभी आपको जो ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ सभी सिलेक्टेड और मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव है। सभी खालिस्तान को आप अच्छी तरह से सॉल्व करना, और मेरी वीडियो को देखते देखते आप याद भी अवश्य करना, और मेरी वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको नोट भी कर सकते हैं। 29वां क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। विदेशी व्यापार से आशय एक दिन का अन्य देशों से वस्तु के विनिमय से है। एक देश का अन्य देशों की वस्तु विनिमय से है। क्वेश्चन नंबर 25, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम इंटरनेट है।
भारत में तटीय पश्चिम बंगाल सर्वाधिक चक्रवाती संभावित क्षेत्रों में से एक है। दिल्ली की जनता ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया करा। संविधान सभा के स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंडियन विजन 2020 का प्रकाशन वर्ष 2003 जनवरी में हुआ था। बंगाल विभाजन का विरोध लोगों ने सड़कों पर वंदे मातरम गीत गाते हुए प्रदर्शन किया। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर गाड़ी रोककर सरकारी खजाने को लूट लिया था। क्वेश्चन नंबर 33वां है, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य का शासन होता है। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। 36वां है, श्वेत क्रांति द्वारा भारत में पशुपालन को बढ़ावा मिला। आप मेरी इस वीडियो को पॉज करके और रोक कर आराम से आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के कारण अनेक भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया। 38वां है, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 39वां क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी योजना को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान महात्मा गांधी ने चलाया था। ISI गुणवत्ता स्तर का मानक है। कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक माना जाता है। 43 है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 44, दिल्ली की जनता ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 46, स्थानीय प्रशासन की सबसे इकाई ग्राम पंचायत है। सबसे छोटी इकाई होती है जो ग्राम पंचायत है। 47, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना UNDP के सहयोग से संचालित है। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचक का निर्माण प्रोफेसर मॉरिस ने किया। ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं, पिछले लगभग 8 से 10 सालों में लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी ऑब्जेक्टिव को आप अच्छी तरह से रीड करना। तात्या टोपे गोरिल्ला युद्ध में पारंगत थे। वस्तुओं की कीमतों में क्रमशः वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। इस प्रकार ये 50 ऑब्जेक्टिव हैं। इन 50 ही ऑब्जेक्टिव को आप अच्छी तरह से सॉल्व करना। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।